Popular political cartoonist Sudhir Tailang passed away on Saturday in New Delhi after a prolonged battle with brain cancer. Rajesh Tailang, his younger brother, said Sudhir would be cremated at the Lodhi crematorium tomorrow at 2 p.m. आज दोपहर में करीब डेढ़ पौने दो बजे घर में ही उनका इंतकाल हुआ। सुधीर जी पिछले डेढ़ साल से ऊपर हो गया ब्रेन कैंसर की लड़ाई लड़ रहे थे। उनको बड़ा डेडलीस्ट ब्रेन कैंसर होता है विच इज़ कॉल्ड GBM4 ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म ग्रेड 4 था हु का WHO के मुताबिक। तो वो उसकी लड़ाई लड़ रहे थे पिछले 2000 जुलाई एंड में डिटेक्ट हुआ था 2014 में और उसके बाद उनकी लड़ाई चलती रही और पहला ऑपरेशन उनका ट्यूमर रिमूव हुआ वो हुआ था 9 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद वो काफ़ी बेटर हो गए थे। उसके बाद बहुत सारे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी सेशंस रहे और उस दौरान वो काम भी करते रहे, पहले जितना रेगुलरली नहीं। अदरवाइज़ भाई साहब ने मुझे याद नहीं कि पिछले सालों में एक भी दिन ऑफ लिया हो कार्टून से। रोज़ाना वो कार्टून बनाते थे, एक दिन ऑफ नहीं लेते थे। अगर देश से बाहर जाते थे, शहर से बाहर जाते थे, तो भी वो अपने साथ सारा कुछ रख के जाते थे, सारा स्कैनर्स और एवरीथिंग। तो उन्होंने कभी मिस नहीं करते थे कार्टून्स बनाना, तो उसके बाद भी बनाते रहे। लेकिन फिर उनके दोबारा ट्यूमर रिकरेंस हुई और वो ऑपरेशन हुआ मई 2014 में। तो उसके बाद उनका थोड़ा कम हुआ कार्टून बनाना और उसके बाद उनका काफ़ी डिटेरेशन होता रहा और इनफैक्ट लास्ट में पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट कहा कि देयर इज नो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लेफ्ट। कल उनका 2 बजे लोधी क्रिमेशन ग्राउंड में। सुधीर वाज अवार्डेड द पद्म श्री इन 2004 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ कार्टूनिंग। करेस्पोंडेंट सुनील श्रीवास्तव फ्रॉम न्यू दिल्ली फॉर ANI।